Hello friends, in this video we will paint optimal parenthesis structure. Means in this video we will find the optimal solution for matrix chain multiplication of these five matrix. So in previous video or in first step we have to compute Mij table, and we have computed for optimal value of k. Optimal value of k के लिए हमने ये Mij table compute किया है. अब हमें इन k की value को use करना है. Optimal parenthesis के लिए हमें जो भी optimal value of k हमने यहाँ पर record किया है, लिखा हुआ है, उसको हमें use करना है. उसकी जो algorithm है वो इस तरह से है कि Sij, मतलब ये एक जो k की value है वो भी एक S table में भी आप कर सकते हो. ये Mij टेबल में हमने ले लिया है तो कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है. Sij टेबल में भी आप ले सकते हैं. तो एल्गोरिथम कहती है कि S ऑफ Ij, S ये टेबल का नाम है, I आपका 1 से स्टार्ट होगा एंड J है N. N मीन्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है आपकी. तो S 1 5, J की वैल्यू 5 है, 1 से 5 तक. J इज 5, I इज 1. अब यहाँ पर क्या, इफ आई इक्वल टू जे, वन इज इक्वल टू फाइव, ये तो है ही. एल्स वाले पार्ट पे आओ एंड प्रिंट. एल्स वाले पार्ट पे आओ और पहले यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट ऑफ दिस एंड सबसे पहले आपको प्रिंट लगाना होगा. यहाँ पर प्रिंट लगा दिए, ओके. प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस रिकर्सिव कॉल, दिस इज अ रिकर्सिव कॉल लाइक मेन फंक्शन. यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन और किस चीज का है, एस आई यू एल वन एस आई एंड दिस इज एस आई जे, एस ऑफ 1 5, एस ऑफ 1 5. दिस इज अ फंक्शन. So first we have to compute value of S15 में k की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, S15 की जगह 2 लिख देता हूँ. S12 हम ये फिर से एक कॉल करेंगे पहले. अब इसका जो सेकेंड वाला जो पार्ट है वो अभी लेफ्ट है, यहाँ पे याद रखना है. सेकेंड इसका पार्ट जो है ऐसे करके उसको ऐसे कर दीजिए, ये छूटा हुआ है क्योंकि हमें पहले इसको पूरा करना है. S12, अब जब S12 को हम करेंगे, I नॉट इक्वल टू जे, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है. I नॉट इक्वल टू जे है यहाँ पर फिर से. जब ऐसा है तो देन वी हैव टू टेक प्रिंट पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस प्रिंट किया, फिर से हमने ये प्रिंट ऑप्टिमल वाला कॉल किया, फिर इसमें हमने लिखा S I given 1 and Sij, S of 1 2 के लिए, S of 1 2 के लिए जो वैल्यू है दैट इज 1. S of 1 2 में k की वैल्यू कितनी है, 1. S 1 1, ओके. अभी ये वाला पार्ट हमारा छोटा है, अभी ओपन ओपन ही पेंसिल है. S of 1 1 I equal to j, यहाँ पे I equal to j हो रहा है. अगर ऐसा है देन प्रिंट एवर आई, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, S11 को लिख सकते हैं A1, राइट. आप वो अपने कॉपी में नीचे लिख लेंगे एस ऑफ 1, 1, क्योंकि S12 की वैल्यू 1 आई थी, इसको आप A1 लिख सकते हैं यहाँ, ओके. अब इसका जो, क्योंकि ये S11 ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ कि बी वाला भी बचा हुआ है, तो बी वाले को यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे. एस ऑफ प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस एस ऑफ Sij+1, जो Sij मींस S12 में वैल्यू कितनी, 1, तो 1+1 कर देना है. S12 1 2
जो वैल्यू है दैट इज वन, वन प्लस वन कर देंगे टू, और जे की वैल्यू कितनी है टू, एस एस आई जे प्लस वन कॉमा जे, जे की वैल्यू टू है। वट इज अब ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एस टू टू, यहाँ पर आई कल टू जे है, देन यू कैन राइट हियर ए टू। जब ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे देन यू कैन राइट प्रिंट, प्रिंट मीन्स ए वन एंड ए टू, एस वन वन से हमारा ए वन आया है, एस टू टू से ए टू आया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप ए वन दिस इज ए टू एंड दिस इज क्लोज। फिर हम बैक ट्रैक है, ये स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब ये जो एस वन फाइव हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो उसका ये पार्ट बचा हुआ था, क्योंकि ये हम ये पार्ट ही एग्जीक्यूट कर पाए थे, बी नंबर पे आएंगे प्रिंट ऑप्टिमल बेसिस एस एस आई जे प्लस वन। तो एस वन फाइव, एस वन फाइव में वैल्यू टू थी, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, तो यहाँ पर लेंगे एस थ्री एंड जे की वैल्यू फाइव। अब एस थ्री फाइव पर एग्जीक्यूट होगा आई नॉट इक्वल टू जे, राइट, तो प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट कीजिए, ओपन पैरेंथेसिस प्रिंट होगा, लेवल सेम रखना है एस आई की वैल्यू थ्री एंड एस ऑफ आई जे, एस ऑफ आई इज थ्री एंड फाइव, एस थ्री फाइव, थ्री फाइव तक की वैल्यू कितनी फोर, ओके ये अलग से एस थ्री फोर। अब ये वाला पार्ट, अभी बी वाला पार्ट इसका छूटा हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे बी बी नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा आई नॉट इक्वल टू जे प्रिंट कमांड चलेगा, साथ ही ओपन होगा एस आई, आई इज थ्री एंड एस आई जे, मतलब एस ऑफ थ्री फोर, एस ऑफ थ्री फोर, इसमें क्या है थ्री है, टी की वैल्यू थ्री है, एस थ्री थ्री, आई इक्वल टू जे है। अब इसका भी ये बी पार्ट भी छूटा हुआ है, तो ये एस थ्री थ्री को मैं आई इक्वल टू जे है ए थ्री लिख देता हूँ। अब इसके बी पार्ट को मैं बी वाला पार्ट क्या कहता है एस एस आई जे प्लस वन, तो एस थ्री फोर, एस थ्री फोर में थ्री का थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, एस ऑफ फोर एंड फोर, दिस इज अवर ए फोर। जब दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे देन यू कैन टेक पैरेंथेसिस प्रिंट। हमारा ये वाला पार्ट छूटा हुआ है बी नंबर एस थ्री फाइव का बी पार्ट, तो एस थ्री फाइव में एस थ्री फाइव, एस थ्री फाइव में फोर था तो फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, एस ऑफ फाइव कॉमा फाइव। अब इसको कंप्यूट करें, दिस इज अवर ए फाइव। जैसे ही दोनों स्टेप कंप्लीट होते हैं पैरेंथेसिस क्लोज लगा दें, तो जो हमारा ये पैरेंथेसिस स्ट्रक्चर आ रहा है तो ये हमारा बॉटम अप फैशन में रिजल्ट आएगा, बॉटम अप फैशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है क्या है, बॉटम से आपकी तरफ जाएंगे ए थ्री ए फोर, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज ए थ्री ए फोर, सबसे लास्ट में ए थ्री और ए फोर के बाद हमें क्या मिला है यहाँ पर ए फाइव मिला है, मीन्स जो पैरेंथेसिस है इसको लगा लेंगे ए फाइव लगा लेंगे। इसके बाद यू कैन राइट फर्स्ट ए वन ए टू, सॉरी सॉरी ए थ्री ए फोर एग्जीक्यूट हुआ है, ए थ्री ए फोर के बाद ए वन ए टू एग्जीक्यूट हुआ है, ए वन ए टू, ए वन ए टू, देन ओपन पैरेंथेसिस। अब ए थ्री ए फोर का जो रिजल्ट है दैट इज मल्टीप्लाइड टू ए फाइव, ए फाइव ये ओपन पैरेंथेसिस है एंड ये इसका टू पार्ट्स हुआ था ए फाइव, ए फाइव ए फाइव के बाद ये क्लोज है। देन और अपर लेवल पे जाएंगे, अप की तरफ जाएंगे तो ये ओपन पैरेंथेसिस लगा हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले जो कंप्यूट हुआ है ए थ्री ए फोर हुआ है, देन ए वन ए टू
देन ए थ्री ए फोर के साथ ए फाइव एग्जीक्यूट हुआ है एंड देन ओपन पैरेंथेसिस है। जब ये ओपन वाला जब ए और बी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ओपन के बाद जो लास्ट का जो पैरेंथेसिस होगा यहाँ पर तो क्लोज लगाना होगा यहाँ। तो दिस इज अवर ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। किस तरह से पैरेंथेसिस को हमने किस किन दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ लगाना है, कहाँ पर कौन सा पैरेंथेसिस यूज होना है जिससे कि हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस मिनिमम हो। पांच मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पांच मैट्रिक्स का सीक्वेंस गिवन था, मैट्रिक्स चैन थी और उसको हमें मल्टीप्लाई करना था, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कम से कम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस वहाँ पर एग्जीक्यूट होना चाहिए जिससे कि हमारा रिजल्ट फास्ट आ सके। सो दिस वॉज अबाउट मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।